लक्ष्मी नारायण सीताराम राधा कृष्ण भगवान के सब एक ही रूप हैं, एक ही हैं, तो संप्रदाय अनेक क्यों, क्यों अलग अलग संप्रदायों में दीक्षा ली जाती है। पुरुष एक है, पत्नी अलग ढंग से उसका रसा स्वादन करती है, उसका सुख लेती है, और बेटी अलग ढंग से उसका सुख लेती है, माँ अलग ढंग से उसका सुख लेती है, सास अलग ढंग से उसका सुख लेती है, मित्र अलग ढंग से सुख लेता है। तो पुरुष तो एक ही है, लेकिन वो रस कितनी तरह के दे सकता है। इसी प्रकार दूध एक ही है, कोई उसमें केसर डाल के पीता है, कोई शक्कर गुड़ डाल के पीता है, और कोई उसमें चावल डाल के उबाल के खीर बना के पी जाता है, खाता है, और कोई उस दूध को जब खोआ बना करके और फिर मिठाई बना करके खाता है। तो दूध तो एक ही है, लेकिन उसको उसका रसा स्वादन करने के लिए, उसका सुख लेने के लिए अनेक उपाय हैं, अनेक तरीके हैं। इन्हीं उपायों को, इन्हीं तरीकों को कहते हैं संप्रदाय। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी ये संप्रदाय हैं, ये हैं भगवान का रसा स्वादन करने के उपाय। जैसे निम्बार्क संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय से कोई दीक्षित होना चाहे तो किसके लिए निम्बार्क संप्रदाय है, जो सखी भाव से राधा कृष्ण की उपासना करेगा उसके लिए ये निम्बार्क संप्रदाय है। और जो सखा भाव से उपासना करना चाहेगा तो उसके लिए फिर पुष्टि मार्ग है, विष्णु स्वामी संप्रदाय है। कोई ब्रज भाव से, गोपी भाव से, हम लोग तो सखी भाव से, इसी प्रकार कोई गोपी भाव से करना चाहे तो उसके लिए गौड़िया संप्रदाय है, गोपी भाव से करें। और कोई वात्सल्य भाव से करना चाहे पुत्र मानकर, उसके लिए भी पुष्टि मार्ग है। यदि कोई सीताराम की उपासना करना चाहे मर्यादा वाला प्रेम, तो उसके लिए फिर रामानंद संप्रदाय है। यदि कोई ऐश्वर्या भाव से लक्ष्मी नारायण भगवान का रसा स्वादन करना चाहे वैकुंठ में, तो उसके लिए फिर श्री संप्रदाय है। तो ये दरअसल एक ही परमात्मा का हम अनेक प्रकार से रसास्वादन कर सकते हैं। जैसे एक ही पुरुष का पत्नी, बेटी, माँ, बहन अलग अलग ढंग से उसके प्रेम का सुख लेती है। एक जैसा प्रेम सब नहीं कर सकती। पत्नी का प्रेम अलग ढंग का होता है, माँ का प्रेम अलग ढंग का होता है, उसकी बेटी का प्रेम अलग ढंग का होता है। तो पुरुष तो एक ही है, लेकिन अनेक रिश्ते हैं, तो अनेक ढंग का प्रेम वो करता है। सबसे एक जैसा प्रेम नहीं कर सकता। तो वो परमात्मा भी सबको एक जैसा सुख नहीं देते प्रेम का। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। तो जिसका भगवान से जो भाव मैच करता है, उसी भाव के संप्रदाय भगवान ने, स्वयं भगवान ने चला रखे हैं। अपने धाम से संतों को भेज करके वो सब उपाय बता रखे हैं कि इतने प्रकार से मैं भक्तों के साथ प्रेम करता हूँ। ये कारण है कि परमात्मा एक होने के बाद भी अनेकों रास्तों से उसको प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है, आपके पास एक लड्डू है, आंखों से पूछा किस लड्डू के बारे में बताओ, क्या अनुभव है, तो आंख कहेगी गोल है, पीले रंग का है, तो आंख बताएगी गोल है और पीले रंग का है। फिर नाक से पूछो लड्डू के बारे में कुछ बताओ, तुम्हारी क्या अनुभूति है, नाक कहेगा सुगंधित है, वो नहीं कहेगा गोल है, वो नहीं कहेगा पीला है, नाक क्या कहेगा सुगंधित है। फिर जीभ से पूछो, वो लड्डू का रसा स्वादन करेगी, फिर जीभ से पूछो कैसा है लड्डू, वो नहीं कहेगी जीभ सुगंधित है, वो जीभ नहीं कहेगी कि गोल है पीला है, वो जीभ कहेगी कि मीठा है। तो आंख कुछ और बता रही है, लड्डू एक ही है, आंख कुछ और बता रही है, नाक कुछ और बता रही है, जीभ कुछ और बता रही है, और लड्डू एक ही है। जैसे एक मिठाई अनेक इंद्रियों से, एक सुख अनेक इंद्रियों से अलग अलग अनुभूति होती है, इसी प्रकार एक ही परमात्मा की अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग भाव दृष्टि से अलग अलग रस की अनुभूति होती है। ये जो अलग अलग दृष्टिकोण है, इसी का नाम है संप्रदाय। ये है आपके प्रश्न का उत्तर।